तो इंस्पिरेशन सिर्फ इतना था दैट पॉजिटिव वाइब्स करना है. एंड आई थिंक रियलिज्म, हाइपर रियलिज्म इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू अचीव. एंड ब्रास स्कल्पचर, बेसिकली ब्रास मीन्स द हाइएस्ट कैडर एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल. एंड इम्प्रेशन इज मीन्स समथिंग विच लीव्स अ मार्क ऑन यू. सो दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड के मेरी पेंटिंग एक इम्पैक्ट छोड़े, बिकॉज देर इज़ वन एलिमेंट इन ईच पेंटिंग जो मैंने एम्फसाइज किया है. एंड या दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड. सो ऑफ कोर्स आई हैव सीन दीज केयरफुली नाउ दैट आई हैव बीन थ्रू द होल शो. एंड एज अ स्कल्प्टर who also works in brass and bronze and metal and everything, these hold a special place in my heart because I can see the three-dimensionality of it. I can see the shadows that you actually feel that they look heavy. So what she's done is she's done an amazing task of, she's shown the heavy metal along with the lightness of the flowers, which are sometimes floating in some of them, which have got these lightness in terms of their shadows and the way they're falling and all that. So there's a wonderful juxtaposition of this heavy brass, which is very divine and strong, as against the petals which are nice and spiritual and flowery. See, an artist's thought process is of their own. It is unquestionable. It is what came to her mind and what she wanted to put out on canvas. Wo completely uska unka khud ka hi hai. And it's come out beautifully. So there's nothing wrong in it. What she thought, perhaps in the next show she might change her entire vision. She might change the entire concept. Tabhi unke man mein kya chal raha hai. It always changes. An artist is never the same throughout. It always goes through a roller coaster ride of feelings and all that. Aur wo ab canvas mein dikhta hai, apne works mein dikhta hai. So up to now, the idea which she's portrayed is wonderful. I'm waiting to see what else she can do. मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा था. मुझे इतना अच्छा लगा इनके हाथ में जो जादू है वो दिख रहा है. और इतना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता. मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ इनको डिफाइन करने के लिए, इनकी तारीफ में करता हूँ. यही मैं कह सकता हूँ बस. और ऑल द बेस्ट आपको कि आपने इतना अच्छा ये एग्जीबिशन किया है और ये एग्जीबिशन बहुत सक्सेसफुल होगा. मेरी दुआएं हैं और बस ऑल द बेस्ट एंड माय ब्लेसिंग्स. थैंक यू वेरी मच. सदियों के बाद ऐसे एग्जीबिशन में आया कि जहाँ मेरे को आर्ट समझ में आती है. नॉर्मली जाता हूँ वहाँ पर मॉडर्न आर्ट होती है, मेरे को समझ में नहीं आता. मुझे चेहरे पे एक इंटेलिजेंट लुक रख के कुछ बातें करनी पड़ती है. लेकिन यहाँ पे बहुत साल के बाद मैंने देखा कि हर एक पेंटिंग मेरे समझ में आई. एंड आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स टू रीना फॉर दैट, डूइंग सम ब्रिलियंट वर्क. और उसमें एक खासियत मैंने देखी इनके पेंटिंग्स में कि उनके हर एक पेंटिंग में एक एलिमेंट ऐसे होता है जो 3D होता है, विच इज़ वेरी नाइस. कि नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि हम पूरा पेंटिंग अगर 3D करें तो अच्छा रहेगा, बट जस्ट दैट वन एलिमेंट इन 3D आई थिंक मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस टू अ पेंटिंग. And I wish you all the very best. I hope you keep doing more and more paintings like this. Thank you, sir. Thank you. And nice to meet you, Ms. Reena Nayak. And she is a very beautiful artist. मैंने इनके बारे में ये सुना है कि ये बहुत ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं है, फिर भी इन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है. और आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक पेंटिंग में एक खुदा दिखता है और उसकी सच्चाई झलकती है. तो इनकी पेंटिंग में जो है वो इनकी सच्चाई और इनकी कला झलक रही है. और माशाल्लाह ब्यूटीफुल तो है ही ये, और इनका काम भी बहुत ही ब्यूटीफुल है. कंग्रेचुलेशन बस अगेन. थैंक यू. और पहली पेंटिंग है इनकी, पहली बार एग्जीबिशन है आई थिंक सो. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अटेंड करना, बिकॉज मैं काफ़ी ऐसे सिनेमा मतलब अरब में भी बहुत लोग हैं जो लेके आते हैं और उनका एग्जीबिशन लगाते हैं. और अरब में काफ़ी लोग क्रेजी भी हैं इस चीज़ के लिए. तो नेक्स्ट आपका लेवल वहाँ लेके जाइए. या डेफिनेटली आई विल प्रमोट एंड आई विल टेल माई पीपल. और दोहा और अरब में, दुबई में मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हैं कि जो पेंटिंगें बहुत रखते हैं घर के अंदर, और एंटिक चीज़ें बहुत रखते हैं हमारे यहाँ पर. तो वो कल्चर है हम लोग यहाँ का. तो हमारे यहाँ बहुत एग्जीबिशन होते हैं और हम चाहते हैं कि इनको और तरक्की मिले. खुदा इनको और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ब्यूटीफुल तस्वीरें बनाए. ये पेंटिंग मेरी भतीजी ने बनाई है, मुझे उस पर बहुत गर्व है. उसने बहुत मेहनत की है इस सब में. बहुत माई यंगर डॉटर रीना, शी इज़ अ बॉर्न आर्टिस्ट. एंड व्हेन शी वाज बिजी विथ हर
job and all, she couldn't pursue this art. But now that she's free, she started with this her painting hobby. It's not a hobby, I can say it's a profession now, in a very full-fledged way. And this is her first solo exhibition, and we all were looking forward to this great day, and which she has made it, working very hard day and night, and we are very, very proud of her. Reena is family, and I always knew she had this passion for arts. She's a very good painter. I've seen her sculptures also, and I really love this creation of hers. This is my favorite so far. And I love her work, the colors she has, and I wish her all the best. And yeah, she is a great artist in the coming. So, hi guys, my name is Ameya Naik, and it was wonderful to be at my wife's exhibition, Reena Naik's, and she's done a wonderful job, absolutely incredible, in a span of just 7 to 8 months. उन्होंने एक साल के अंदर 14 paintings complete किए हैं, और corporate world to art, this whole journey of her was very, very adventurous and very incredible, very commendable, और बहुत बढ़िया brass impressions का exhibition उन्होंने किया है, and I wish her all the best. Hi, it was such a beautiful experience to visit. I actually know Reena for a really long time, and I've seen a lot of these paintings, and from the initial times she has started painting, and I saw it at her place. It was amazing to see all of them in their final form, from the finished product to the actual frame. So I wish her all the luck. I wish more people come to see it here, and all the very best, everyone. Reena is a very good artist, which we never knew till she started doing this. Painting these beautiful sketches. I'm very happy. We have, my family is full of artists now. I wish her great success. Thank you.